नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त राजीव बंसल एक बार फिर आपके साथ। दर्शकों, हम चुनावी खबरें आपको देते रहते हैं और चुनावी माहौल के अंदर लोगों के व्यूज लेते रहते हैं। 14वीं विधानसभा का चुनाव बिल्कुल करीब आ चुका है, अक्टूबर माह में ये चुनाव होना है। हाल ही में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, बीजेपी प्रचंड बहुमत में आई। हांसी का विधायक कैसा, आपकी पसंद का हो, विकास करने वाला हो या अपना खुद का विकास करने वाला हो, ये चुनाव आपको करना है, ये तय आपको करना है। 14वीं विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में होगा। हांसी ने 13 विधायक दिए, 13 का कहने का मेरा अभिप्राय, 3 बार अमितचंद मक्कर जी बने, 2 बार हरि सिंह सैनी जी बने, 1 बार ईश्वर सिंह सैनी जी बने, 1 बार अतर सिंह सैनी जी बने, 1 बार पी के चौधरी, जो बीजेपी की 1987 में लहर थी उसमें रिकॉर्ड बहुमत से बने, सीपीएस रहे विनोद भ्याना बने। पिछली योजना में कांग्रेस के विधायक रेणुका बिश्नोई जीतकर विधानसभा में गई और बलदेव ताय जनता पार्टी से विधानसभा में गए, हांसी से ही सुभाष गोयल इनेलो से विधानसभा में गए, हांसी से। सबकी अपनी अपनी फितरत होती है, सबका काम करने का तरीका अपना अपना रहा है। किसी ने विकास करवाया, किसी ने तोहमत अपने ऊपर ली, भ्रष्टाचार की तोहमत अपने ऊपर ली, आरोप लगे। आपका विधायक कैसा हो, हांसी का विधायक कैसा हो, पिछली योजना में भजनलाल घराना की पुत्र वधू कुलदीप जी की धर्मपत्नी रेणुका बिश्नोई रही। हांसी विकास चाहता है, हांसी विकास में पिछड़ा हुआ है, ये सब मानते हैं, आरोप लगाते हैं, जनता जनार्दन उन पर आरोप लगाती है। हांसी की आवाज आपका अपना प्रिय चैनल आपके साथ रहता है, आपकी आवाज बनकर आपके अरमानों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है हांसी आवाज, हांसी की आवाज का चैनल आपके बीच। आज हम एक ऐसे कार्यक्रम की बात करेंगे जो जिस कार्यक्रम का नाम हमने रखा है हांसी का विधायक कैसा, आपके मन मुताबिक हो, आपके अरमानों को पूरा करने वाला हो, हांसी के विकास को पूरा करने वाला हो, हांसी के विकास को आसमानों पर छू देना और पूरे आसमान पर ले जाने वाला हो। हांसी हर हाल में फिलहाल पिछड़ा हुआ नजर आता है, लोग बाग ऐसी जनता जनार्दन की आवाज़ आती है, तो हम हांसी की टीम को लेकर, हांसी के आवाज़ की पूरी टीम को लेकर वीरवार 18 जुलाई ठीक 4:30 बजे धानी कुतुबपुर में पहुंचेंगे। हमारी पूरी टीम वहां जनता जनार्दन से जानेंगे, उनके व्यूज़ लेंगे, उनके विचार सुनेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे कि आपको हांसी के लिए कैसा विधायक चाहिए, कैसा हो आपका विधायक, क्या अपना खुद का विकास करने वाला हो विधायक, या जनता जनार्दन की आवाज़ को विधानसभा में बुलंद करने वाला हो विधायक, हांसी का विकास करने वाला हो विधायक। आपके सामने बड़े बड़े वादे लेके आएंगे ये राजनेता, बहुत बड़े बड़े अरमानों को पूरा करने की बात कहेंगे, मैनिफेस्टो लोक लुभावना होगा, लेकिन आपको पहचानना है कि आपका असली हितैषी कौन हो सकता है। आपकी आवाज़ हम अपने चैनल पर कैद करेंगे और उसको सुनाएंगे कि आप किस तरह का विधायक चाहते हैं, कैसा विधायक हो, जनता जनार्दन की बात सुने, जनता जनार्दन के दुख सुख में शिरकत करें और हांसी का विकास करें और हांसी हलके की बेबुद्धि का ख्याल रखें। ऐसी ही एक कार्यक्रम को लेके आ रहे हैं, कैसा हो हांसी का विधायक, आपके हलके का विधायक। मैं तो इतना ही कहूँगा, है धरती एक मंच यहाँ पर, है धरती एक मंच यहाँ पर, हर व्यक्ति अभिनेता है, कोई रोता हंसता गाता है, तो कोई हारा तो कोई विजेता है। वोटर के अभिनय में हो तुम, वोटर के अभिनय में हो तुम, जरा सोचो समझो विचार करो, सब न्याय नीति को त्याग, ये नेता तुम्हें क्या देता है। दर्शकों,
मित्रों, आप कल ठीक 4:30 बजे यानी कि 18 जुलाई, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 18 जुलाई वार वीरवार 4:30 बजे भानी कुतुबपुर, एक ऐतिहासिक गांव है, वहाँ पहुँचे और हंसी की आवाज़ चैनल की पूरी टीम वहाँ पहुँचेगी। और कौन हो आपका हंसी का विधायक, कैसा हो हंसी का विधायक, ये विचार विमर्श करने के लिए, आपके विचार लेने के लिए हम वहाँ पहुँचेंगे। आप बिल्कुल संकोच मत करें और हमारी गुजारिश पर, हमारी इल्तिजा पर, हमारे अनुरोध पर आप वहाँ पहुँचिएगा और हम मिल बैठ कर ये चर्चा करेंगे और आपकी आवाज़ बनकर आगे तक पहुँचाएंगे। आपके साथ बने रहिएगा हंसी की आवाज़ चैनल के साथ। मैं राजीव बंसल फिर आपके साथ मुखातिब होऊंगा कल ठीक 4:30 बजे हंसी की आवाज़ चैनल की पूरी टीम ऐतिहासिक गांव ढाणी कुतुबपुर में पहुंचेगी आपके विचार जानने के लिए। नमस्कार, तब तक करिए इंतजार, राजीव बंसल का प्यार भरा नमस्कार।